महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर 11:30 बजे लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। राजस्थान में सियासी चुकबुगाहट हुई तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अशोक गहलोत से बात, पायलट की राहुल से मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों को भुनाने में जुटी बीजेपी। बिजनौर आएंगे सीएम योगी, मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। पंजाब में सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड में चरणजीत सिंह। नए सीएम का सरकारी कर्मचारियों को आदेश, सुबह 9 बजे तक पहुंचे ऑफिस। बंगाल की सियासत में भी छिड़ा घमासान। टीएमसी में जाने के बाद बाबुल सुप्रियो का ऐलान, आज सांसद पद से भी दे दूंगा इस्तीफा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में अभी से बैठक का दौर। कुंभलगढ़ में बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मिशन 2023 पर होगा मंथन। चारधाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 1 अक्टूबर से शुरू होगी केदारनाथ के लिए हेली सेवा। रोजाना जारी होंगे 200 ई पास। महामारी के बीच बच्चों को मिलेगी राहत। फाइजर इसी महीने मांगेगी उपयोग की अनुमति। सर्दियों से पहले सौंप सकती है पूरा आंकड़ा। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को हो सकती है परेशानी। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे। भारतीय खिलाड़ियों ने कसी अपनी कमर। अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस ने कहा 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगी मीटिंग। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। आज नॉर्वे और ब्रिटेन के अपने समकक्षों संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को आज संबोधित करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वीडियो लिंक के माध्यम से देंगे अहम भाषण। 14 सितंबर को शुरू हुआ था सत्र। एस्ट्रोनॉट ने किया अंतरिक्ष में वर्कआउट। लोग बोले हमसे तो धरती पर भी नहीं होता। लोगों ने तारीफ भी की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पहली बार किया भारत का दौरा। तालिबान को सऊदी अरब की 2 टूक। कहा हुकूमत नहीं करेंगे बर्दाश्त। लोगों को महंगाई का झटका। चीनी 2 महीने में 13% हुई महंगी। 4 साल के शीर्ष पर पहुंची कीमत। लगातार 16वें दिन भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.19 रुपए जबकि डीजल का दाम 88.62 रुपए प्रति लीटर। बजट 2022 के लिए 12 अक्टूबर से शुरू होगी तैयारी। 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट समेत कई मुद्दों पर देना होगा ध्यान। मध्य प्रदेश में रेलवे यात्रियों को अब जल्द ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट का एहसास होगा। रेलवे स्टेशन हो रहे हाईटेक। फेसबुक ने पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल पर खेला दांव। पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्टर नियुक्त किया।